हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ऑल्सो लॉग इन टू आर वेबसाइट www.shivalearning.in। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यूज़ वीडियो में। और इस वीडियो में नीट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिएगा शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो भाई, मेरे पास एक न्यूज़ आर्टिकल है और ये रिसेंट का ही है। तो इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि जो 10% EWS कोटा आया था वो ढंग से अप्लाई नहीं हो पा रहा है, और वो क्यों नहीं हो पा रहा है उसके रिगार्डिंग भी मैं इस वीडियो में बात करूँगा। और जितने भी पेरेंट्स हैं वो अभी कोर्ट में गए हैं। नीट PG के बारे में भी बात कर रहा हूँ मैं, बट ये सारे जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन है उन सब के लिए बात अप्लाई कर सकते हैं आप, रिलेट कर सकते हैं कि क्यों इसका फ़ायदा पूरा नहीं मिल पा रहा है। पेरेंट्स का कहना है कि इसका सिर्फ 5% ही हमें फ़ायदा मिल रहा है, और वो क्यों मिल रहा है मैं आपको पूरे कैलकुलेशन करके बताता हूँ। तो चलिएगा इस आर्टिकल को शुरू करते हैं। नीट पोस्ट ग्रेजुएट रिजल्ट्स आर आउट बट देयर इज़ नो साइन ऑफ एडमिशन विद पेरेंट्स मूविंग कोर्ट अगेंस्ट द सीट रिजर्वेशन पॉलिसी इन द एडमिशन प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स, द न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लीव्स ओनली 5% ऑफ टोटल सीट्स फॉर ओपन कैटेगरी इन स्टेट लेवल एडमिशंस। तो पेरेंट्स का ये कहना है कि इससे उनको खाली 5% ओपन कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन मिल रहा है, जो कि अभी 10% रिसेंट में हुआ था। तो वो क्यों हो रहा है 5% क्यों हो रहा है, उसकी जो कैलकुलेशन हो अगले पैरा में लिखी हुई मैं आपको बताता हूँ। नीट रिजल्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज वॉज डिक्लेयर्ड ऑन January 31। अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स, द न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी एट सीट रिजर्वेशन फॉर मराठास एज वेल एज इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सीट रिजर्वेशन इन एडमिशन इन द करंट फॉर्मेट इन एनी मेडिकल कॉलेज 50% सीट्स आर फॉर ऑल इंडिया कोटा एंड देन ऑफ द रिमेनिंग 50% सीट्स द स्टेट कंडक्ट्स एडमिशन इन दिस 25% आर कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन 7% सीट्स आर फॉर चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस एम्प्लॉयज नाउ 8% इज़ फॉर मराठास एंड 5% इज़ फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस से इज़ अ पेरेंट पेटिशनर आफ्टर कैलकुलेशंस इन एनी कॉलेज ओनली 5% ऑफ सीट्स रिमेन फॉर ओपन कैटेगरी दिस इज़ अनफेयर टू स्टूडेंट एज इट डज नॉट अलाउ दैम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। तो मैं आपको बता दूँ, जो रिजर्वेशन आया था उसके बाद 50% तो हमारे पास था ही, रिजर्वेशन 27% फॉर OBCs, 15% फॉर SCs एंड 7.5% फॉर STs। तो उसके बाद 50% रिजर्वेशन हमारे उसमें पहले से था, 49.5% था, तो लगभग उसको हम 50% बोल सकते हैं। उसके बाद बची 15% सीट्स रिजर्वेशन के बाद, तो उसमें उन्होंने क्या कर रखा है, इन दिस 25% तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन की है, देन उसके बाद 7% है जो गवर्नमेंट सर्विस एम्प्लॉयज़ हैं उनके चिल्ड्रंस के लिए, और 8% मराठास के लिए। तो बस उसके बाद 5% ही बचता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए इस केस में जो अभी वहाँ पर चल रहा है। तो इसलिए जो पेरेंट्स हैं वो कोर्ट में गए हैं, और उसके लिए अपना पूरा फंड उन्होंने खुद ही इकट्ठा करा है। तो देखते हैं कि इससे आगे क्या होता है। तो उस स्टेट में और जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहे हैं सब में ऐसा ही कुछ हो रहा है, बट अभी नीट के रिगार्डिंग खाली पेरेंट्स गए हैं। तो गवर्नमेंट रिजर्वेशन तो ले आई है, बट यहाँ पर इस केस में क्योंकि 25% उसके बाद बढ़ गई है, और देन उसके बाद 7% फिर से बढ़ गई है, फिर 8% देन 5%, तो यहाँ पर जो रिमेनिंग 50% है उसको ढंग से यहाँ पर वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि ऐसे ही दूसरे स्टेट्स में भी हो सकता है, जैसे अभी राजस्थान में गुर्जर्स का चल रहा है, तो उधर वो 5% की डिमांड कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पर भी फिर ऐसे ही हालात देखने को मिलेंगे, ऐसी कुछ वहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए ज़रूरत है ढंग से एक अच्छा कानून बनाने की, क्योंकि हर स्टेट में उनका अलग अलग कोटा होता है एक स्पेशल कम्युनिटी के लिए। तो यहाँ पर मराठास के लिए है 8%, तो वो उसके बाद दिक्कत कर रहा है बाकी जो EWS कोटे के स्टूडेंट्स हैं। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने आप सबसे यही न्यूज़ शेयर करनी थी। और रेगुलर अपडेट्स के लिए, रेगुलर न्यूज़ के लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी तरफ से कोई अपडेट आती है तो आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।